अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ईद का तीसरा दिन है और आप लोगों को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ और आज मैंने पहना अपना थर्ड डे का ड्रेस जो कि मैंने स्पेशल बनाया था, और आप लोगों को ये भी दिखाती हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों से शेयर करना है मेरा मेकअप, जो कि मैं लाइट लाइट मेकअप किस तरह से करती हूँ, ये भी इस तरह से भी बात हो जाती है कि मैं लाइट लाइट मेकअप किस तरह करती हूँ। और जो है जो मेरा ईद का स्पेशल मेकअप है, वो पहले जो मैंने मेकअप किए थे वो तो थोड़े डिफरेंट हैं, मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन होगा वैसा ही लाइट। तो मैं अभी मेकअप शुरू करूँगी और आप आज देखते रहिए वीडियो में कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी और कम्प्लीट रेडी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, रेडी होने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरह से रेडी हुई। चीज़ें तो मैंने बहुत सारी यूज़ की हैं, लेकिन हुई सिंपल रेडी हूँ। हल्का हल्का मेकअप अच्छा होता है, इसमें गर्मी भी नहीं लगती और बस लोग मन की अच्छी हो जाती है। तो अभी मुझे लगी हुई बहुत भूख, क्योंकि यहाँ पर टाइम 3:30 हो रहे हैं और खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था। आज रेडी होने से पहले मैंने खाना बनाया था, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं रेडी पहले हो गई तो फिर मुझे ये गर्मी हो जाएगी और मेकअप मेरा ख़राब हो जाएगा पसीनों से। तो इसीलिए मैंने आज पहले खाना बनाया था। तो फिर आप पहले खाते हैं खाना और बाद में मैं आपको अपनी जो ड्रेस है और मतलब एक फ़ोटो क्यारी सी बना के वो आपको भी दिखाऊंगी। तो पहले खाते हैं खाना। आज मैंने खाने में क्या बनाया है तो आपको भी दिखाते हैं। चलिए हानिया यहाँ पर बैठी है, खाना मैंने यही लगाना है। हानिया को मुझे उठाना पड़ेगा, बहुत शरारती होती जा रही है। आज मैंने पकाए हैं चावल, हमारे चावल आज आलू वाले पकाए हैं। रोज़ गोश्त खा के हम थक गए हैं, मैंने कहा फिरोज़ को आज हम आलू खाते हैं। आलू के चावल भी कभी खाने चाहिए, अच्छे होते हैं आलू के चावल, बहुत मुझे तो बहुत पसंद है, मुर्गी वाले चावल से ज़्यादा ये पसंद है। तो प्लेट में साफ करके ले आई हूँ और अभी मैं प्लेट में डालती हूँ। खाना आ चुका है और मुझे तो बहुत भूख लगी है, क्योंकि हमारी रूटीन है खाना खाने की 12 या 1 बजे, लेकिन आज हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का और खाना अब मेरा तैयार हुआ है। असल में पहले मैं खाना तैयार करती रही और उसके बाद तैयार हो हुई, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हानिया हमारे साथ हैं, हम सारे बस इकट्ठे हो गए हैं। तो अब खाना शुरू करते हैं। प्लेटों में डाल के ले आई हूँ, हानिया की स्पेशल छोटी सी प्लेट मैंने बनाई है। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। स्टार्ट करें, शुरू करो, भूख लगी होगी तुम्हें भी बहुत ज़्यादा। चलो फिर खाते हैं। तो अब टाइम आ गया है आपको अपना फ्रॉक दिखाने का, मेरा थर्ड डे वाला फ्रॉक, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन आज मैंने उसे पहना है और पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरा फ्रॉक और आप लोगों ने बताना है कि मेरा फ्रॉक मुझ पर कैसा लग रहा है। वैसे तो मैं फ्रॉक बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि फिरोज़ को ज़्यादातर पसंद नहीं है फ्रॉक। अभी भी वो कह रहे हैं कि आपने ये सी लिया तो बस अच्छा किया सी लिया, तो लेकिन अब नहीं सीना, उसे उन्हें बस नहीं अच्छे लगते फ्रॉक। तो बताना कि आपको ये फ्रॉक मुझ पर कैसा लगा है। ये रंग भी आई थिंक मैंने पहले नहीं पहना है वीडियोज़ वगैरह में, कुछ डिफरेंट ही हो गया वैसे ज़्यादा। आप लोग ने बताना है कि ये रंग और फ्रॉक मुझे कैसा लग रहा है। और पहले तो हम लोग खाना खाए थे, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अब खाना मैंने इतना खा लिया ज़्यादा भूख की वजह से कि मैं बड़ी मुश्किल से चल के यहाँ आई हूँ। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया था, इसीलिए फिर उसको मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा टहलते हैं, ये कि हमारा खाना हजम भी हो जाएगा और साथ साथ में ताज़ा हवा भी कुछ खाने को मिलेगी, ताज़ा हवा जिस्म को लगेगी, जो कि बहुत अच्छी होती है। आज मौसम दोबारा से बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ईद के दिन में वैसे हमारे यहाँ मौसम बहुत प्यारा है, तीनों ईद के दिन, 1st, 2nd और आज का दिन, माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा है। धूप सुबह के टाइम में होती है, लेकिन उसके बाद जो मौसम बनता है बहुत ही प्यारा बनता है। अभी भी मैं यहाँ खड़ी हूँ घर के बैक साइड पर, ये देखें हमारा घर, और मैं खड़ी हूँ यहाँ इसके पिछले हिस्से में, बाग के बिल्कुल साथ हूँ, ये सामने बाग है और हवा बहुत ही प्यारी चल रही है। आप देख सकते हैं जो घास है किस तरह से हिल रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा लग रही है। एक तो ये यहाँ पे घर नहीं होते आसपास, तो
इसलिए जो हवा है वो डायरेक्टली लगती है, बहुत ही प्यारी हवा लग रही है। तो आज मैं बैक साइड पे आ गई, मैंने कहा थोड़ी लोकेशन वगैरह चेंज हो जाएगी, तंग भी कर रही है, नई जगह है तो कह रही है मुझे ऊपर चढ़ाओ या किसी के साथ, कहीं मुझे नीचे उतारो, बस इसी तरह से मुझे तंग कर रही है। तो ये है मेरा आज का दिन, इस तरह से गुजर रहा है। आप लोगों ने बताना है कि आपका ईद का थर्ड डे किस तरह से गुजर रहा है, अच्छा है बुरा है, आप कैसे गुजार रहे हैं। वैसे तो अमूमन घर में ही गुजार रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर जाना अलाउ नहीं है इतना, अब घर में तो हर कोई गुजार रहा है, लेकिन बताना है कि आपका अच्छा गुजर रहा है या बुरा। मेरा तो कल का दिन थोड़ा बोर था, लेकिन आज का दिन माशाल्लाह से अच्छा गुजरा है। तो अभी मेरा अपने इंडिया वाले व्यूवर्स से एक सवाल है, वो ये है कि इंडिया में जो मेरे बहन भाई हैं, मुझे मेरे चैनल को देखना पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, वो मुझे ये बताएं कि उनकी ईदें कैसी गुजर रही हैं और वो अपने यहाँ किस तरह से इसे ईदें गुजारते हैं। पहले मतलब हाँ, तो आज दूसरी ईद होगी, तो उन्होंने अपनी कल की ईद किस तरह गुजारी है और आज की जो ईद है वो उनकी किस तरह गुजरती है, मुझे लाजमी बताना है। और ये बताना है कि आप लोग मुझे क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोग मुझे कुछ ना कुछ बातें कहते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि आप ऐसे ना किया करो, वैसे किया करो। तो अभी भी अगर कोई ऐसी बात हो जो इन ईद के तीन दिनों में मैंने फील की हो, मतलब हो जाता है कभी मुझसे गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, कोई फील की हो गलती मेरी, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताया, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया के हैं और पाकिस्तान के भी बहुत हैं, लेकिन इंडिया से मेरे ज़्यादा व्यूवर्स हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे व्यूवर्स दूसरे गैर मुल्क से भी इतने हैं, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी गलतियां आप लोग बताया करें, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के कि मैं अपनी गलतियां पढ़ूं, आप लोग उसे सुनूं और उसे सुधारने की कोशिश करूं। हाँ ये देखो वहाँ पर चली गई, बहुत शैतान हो रही है, अभी मैं आपको उसका मुँह दिखाऊँ तो मुँह पर उसने इतने ज़ख्म किए हैं बहुत ज़्यादा, कल वो रात बेड से गिरी थी, हानिया और हानिया की सहेली दोनों बेड के ऊपर चढ़ के शैतानियाँ कर रही थी, शाम 7 बजे का टाइम था, तो दोनों की दोनों आके गिरी। अभी मैं आपको उसका मुंह दिखाती हूँ, मुंह पे उसने क्या हशर किया भाई, बीस उसकी जो सहेली है वो थोड़ा बच गई है क्योंकि वो बेड से गिरी तो हानिया नीचे और 20 में उसके ऊपर उसकी सहेली, तो हानिया को ज़्यादा लगी है चोट। आइए मैं आपको दिखाती हूँ हानिया को, मैं उठा के ले आई हूँ। बच्चे वैसे सच कहते हैं बहुत ही शरारती, बहुत ही मतलब इन्हें कुछ भी समझा लो ये नहीं समझते। ये देखें इसका मुँह, रात में ये गिरी है तो इसका पूरा नाक यहाँ से छिल गया है, यहाँ दिखाओ आनी, ये देखें, और इसके माथे पे लग गया, इसने खुजा खुजा के अपने मुंह पे छोटे छोटे जख्म बनाए हुए हैं। तो अभी हम अपने घर वापस आ गए हैं, ये देखें अब घर के बिल्कुल साथ ही आ गए, इसलिए घर वापस आ गए क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला है, बस यही 15-20 मिनट में मगरिब की अजानें आ जाएंगी और अंधेरा शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। हमने कहा बस जल्दी जल्दी घर चलते हैं, और आज का जो थर्ड डे ईद का दिन था वो भी अब ख़त्म हो गया है, होने वाला है, थोड़ी सी देर बची है सिर्फ, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, क्योंकि मैंने घर जाना है और थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो उम्मीद है कि मेरी जो आज थर्ड डे रूटीन है और ये वीडियो जो वगैरह मैंने बनाई है, आज सिर्फ रूटीन नहीं है और भी इसमें कुछ है, मेकअप का और भी, हानिया वगैरह के सीन है, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।